गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं निकुसा आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल एसर क्लासेस में। आज मैं टोक्यो ओलंपिक के ऊपर करेंट अफेयर लेके आई हूँ, जानेंगे टोक्यो ओलंपिक। तो स्टार्ट करने से पहले मैंने देखिए यहाँ टोक्यो ओलंपिक 2020 लिखा है, तो सबसे पहले यहीं पे बच्चे कंफ्यूजन, टोक्यो ओलंपिक 2020 क्यों? क्योंकि होने वाला था ये 2020 में, कोरोना के कारण ये हो गया 2021 में, लेकिन ये लिखा जाएगा टोक्यो ओलंपिक 2020। स्टार्ट करने से ही पहले जान लेते हैं उनके रिंग के बारे में। तो उसकी जो रिंग है ये नीले कलर की है, ये काला और ये लाल, ये पीला, ये हरा, जैसा कि आप स्क्रीन में देख भी रहे हैं। और इस तरह से ये नीला जो है यूरोप को शो करता है, काला अफ्रीका को और लाल अमेरिका को, और पीला जो हमारा एशिया है और हरा ऑस्ट्रेलिया को शो करता है। इस ढंग से ये जो ओलंपिक है एक्चुअली 1776 से ही स्टार्ट हुआ और ये ओलंपिया की जगह में खेला गया, इसलिए इसका नाम ओलंपिक रखा गया। अब पहले तो ये उत्सव के रूप में खेला जाता था, लेकिन एक आधुनिक रूप से इसको तैयार किए हैं, या इसको कह सकते हैं ओलंपिक के आधुनिक पिता कौन है, तो वो है आपके पियरे डी कोबर्टी। इन्होंने इसे आधुनिक रूप में तैयार किया। पहले 4 से 5 दिन गेम होता था, 4 दिन गेम होता था, 5वां दिन समापन होता था, लेकिन इन्होंने एक आधुनिक रूप से तैयार किया और फिर ये बहुत ही अच्छी तरह से उद्घाटन समापन और बहुत सारे देश इसमें आके खेलने लगे। आगे देखते हैं। अब इसका आदर्श वाक, बार बार पूछा जाता है, ये है यूनाइटेड बाय इमोशन, ये इस बार का आदर्श वाक है 2021। लेकिन ओलंपिक का खुद का आदर्श वाक है, उसमें कुछ नयापन जोड़ा गया। पहले हम लोग देखेंगे आखिर इस टोक्यो ओलंपिक में कौन कौन सी चीजें नहीं जोड़ी गई। तो यहाँ देखिए लैटिन वर्ड लेंगे इसका, ओलंपिक का जो लैटिन वर्ड है सिटियस एल्टियस फोर्टियस, ये हमेशा चलते आ रहा है, जिसका मीनिंग है फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर। और इसमें एक नया वर्ड इसी टोक्यो ओलंपिक में जोड़ा गया है, वो है टुगेदर। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा नया शब्द जोड़ा गया है, तो ये है टुगेदर। और इसमें और नया बात क्या हुआ कि इस बार जो का जो ओलंपिक था उसमें महिला और पुरुष जो है वो बराबर के मतलब बराबर में आ गए। तो महिला के जो महिला और पुरुष बराबर आ गए और 48.8% महिला का स्थिति को दर्ज किया गया है, ये बहुत ही अच्छा बात है। हालांकि 1900 ईस्वी में सब जो महिला थी ये ओलंपिक में खेलना शुरू की, पहले बहुत कम आते थे, अब धीरे 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 अब ये 50% के लगभग आ गए। इसी चीज को देखते हुए बोलिए ये एक और पहल की गई। क्या पहल की गई? नया बदलाव आया कि इस बार जो उद्घाटन समारोह में जो झंडा लेके जाते हैं वो महिला और एक पुरुष थे। तो हमारे भारत का देखते हैं, भारत में मेरी कॉम और मनप्रीत सिंह, मेरी कॉम जो मुक्केबाजी से है और मनप्रीत सिंह जो हॉकी टीम के कप्तान है, इन्होंने झंडा को लेके आगे बढ़े, ये थे उद्घाटन में। यदि समापन के समय किसने झंडा लिया, तो वो झंडा लेने वाले थे पुनीत बजरंग पुनिया। ठीक है, ये कुश्ती यानी पहलवान है, इन्होंने समापन किया उद्घाटन में, ये समापन में बजरंग पुनिया। ओके, अब हम लोग आते हैं शुभंकर। शुभंकर जो है मिराई तोबा है, आप जैसा फिगर में देख सकते हैं ये जो शुभंकर है मिराई तोबा, और यहाँ पे आप मेरी कॉम और मनप्रीत सिंह की भी फोटो देखते हैं जिन्होंने ध्वज लेके उद्घाटन को आरंभ किया। अब हम लोग आते हैं संस्करण में, ये पूछा जा सकता है कि जो जापान का टोक्यो ओलंपिक है वो कितना नंबर का संस्करण है, तो ये है हमारा 32वां संस्करण। कहाँ? टोक्यो जापान में। कब से कब खेला गया, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, तो ये है 23 जुलाई 8 अगस्त, तो 23 जुलाई 8 अगस्त से खेला गया। अब जब 32वां संस्करण दे दिया गया है, हो सकता है कंफ्यूजिंग करने के लिए 31वां पूछ ले या 32वां, सॉरी यहाँ 33 हो जाएगा, ठीक है 33वां। तो 31वां कहाँ हुआ है? रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील 2016 में। और 33वां कहाँ होने वाला है, तो वो है आपका पेरिस फ्रांस में 2024 में। ओके, आगे जानते हैं टोक्यो जापान में। मैंने कहा कि यहाँ पे पहले हम लोग जानेंगे आखिर ये जो टोक्यो जापान था उसमें क्या क्या नए परिवर्तन किए गए। तो देखिए ये 4 गेम को ऐड किया गया,
सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, कराटे, और ये जो बेसबॉल है ये भी नया ऐड जोड़ा गया है, लेकिन ये पहले खेला जाता था। 13 साल के बाद फिर से इस गेम को टोक्यो में वापस लाया गया है। ठीक है, तो बेसबॉल को 13 साल बाद वापसी मिली है। ठीक है, ये आपके कुछ हो सकता है कि इसमें से किसको जोड़ा गया या इसमें से किसको नहीं जोड़ा गया, इस तरह से एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे जानेंगे, आधुनिक ओलंपिक का पिता जो कि पियरे डी कोबर्टिन है, 1896 में एंथेस ग्रीस में पहली बार आधुनिक रूप से ओलंपिक यहाँ पे खेला गया। और जो संस्था होती है ओलंपिक का जो कि इसको रेगुलेट करती है वो कहलाती है संस्था आईओसी, आईओसी, और इसका मुख्यालय कहाँ है, ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में, मुख्यालय है ल्यूसाने स्विट्जरलैंड, पूछा जा सकता है। वर्तमान में अभी जो 2020 है उसके अध्यक्ष कौन है, वो है थॉमस बाक, और वो कहाँ के हैं, जर्मन के। नेक्स्ट, यहाँ पे कितनी प्रतिस्पर्धाएं हुई, तो वो 33 प्रतिस्पर्धाएं हुई, 339 इवेंट हुए और 206 देशों ने भाग लिया। कितने देशों ने, 206, और कितना, 33 प्रतिस्पर्धाएं। अब देखें, अब तो ये हो गया, गेम भी हो गया, अब देखें गेम में सबसे पहला नंबर पे कौन है, तो यूनाइटेड स्टेट है। ये एकदम जरूरी है, क्यों जरूरी है भाई, अरेंज करने के लिए दिया जाए, ये सबसे ज्यादा गोल्ड किसने जीता ना, इस ढंग से तो यूनाइटेड स्टेट पहले स्थान पर है, गोल्ड 39, सिल्वर 41, ब्रोंज 33, टोटल 113। फिर उसी तरह दूसरे नंबर पे चाइना, 38 गोल्ड, 32 सिल्वर, 18 ब्रोंज और टोटल 88। फिर तीसरे नंबर पे जापान, 27 गोल्ड सिल्वर 14 ब्रोंज 17 टोटल 58। उस फोर्थ नंबर पे ग्रेट ब्रिटेन है, 22 21 22 टोटल 65। और 48वें नंबर पे हमारे इंडिया रहे, इन्होंने भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया और कहा है कि ये जो 7 जो पदक जीते गए हैं वो अभी तक का हाईएस्ट पदक है, उसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज। अब जानेंगे ये 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज कौन होंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, हमारा जो खाता खोलने वाला भारत में था, किसने सबसे पहले खाता खोला, तो वो मीराबाई चानू ने खोला। ये क्वेश्चन हमेशा देखिएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, तो खाता खोलने में सबसे प्रथम रही मीराबाई चानू। ठीक है, स्वर्ण पदक किसने जीता, तो नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में 87.5 या 58 मीटर के थ्रो में। और ये किस राज्य के हैं, यहाँ पे मैंने पदक लिखा है, एथलीट है, ये खेल है और ये राज्य है। फिर रजत में मीराबाई चानू, जिसने खाता भी खोला बोल रहे हैं, ये भारोत्तोलन में 49 kg के वेट में और मणिपुर राज्य की। फिर रजत में फिर रवि कुमार दहिया, कुश्ती में 57 kg हरियाणा, कांस्य लवलीना बोगोहोन मुक्केबाजी में 64 से 69 के इसके अंदर असम से, कांस्य पीवी सिंधु बैडमिंटन और आंध्र प्रदेश से, फिर कांस बजरंग पुनिया जिन्होंने समापन भी किया है, ये कुश्ती से खेले 65 kg के अंडर वेट में और हरियाणा से। कांस्य में हॉकी टीम पुरुष ने भी एक गजब ही धमाका कर दिया, और ये कितने 41 साल के बाद फिर से हॉकी टीम ने एक अपने को मतलब क्या बोलते मेडल दिया, और किसको हरा के, जर्मनी को हरा के, और कितना से 4-5 हरा करके ये मेडल को जीता। ये बहुत ही खुशी की बात है कि 41 साल के बाद ये रिटर्न हुए। तो हॉकी टीम के कप्तान कौन है, हमेशा से याद रखेगा, मनप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह। उसके अलावा दो और भी काफी इम्पोर्टेंट बात है, पवन सिंह जिसे निशानेबाजी में इसे जूरी मेंबर रखा गया, उसी तरह फिर उसके बाद दीपक काबरा, इसे भी जिम्नास्टिक में जज बनाया गया। तो ये जो हमारे इंडिया के ये भी प्रथम बार बने हैं, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब देखिए ओलंपिक से तो जुड़े बहुत प्रश्न होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है मैं वही लेके आई हूँ। दो इम्पोर्टेंट बात और देखिए, लॉरेन हवर्ड जो कि न्यूजीलैंड की है, ये पहली ट्रांसजेंडर है और इन्होंने भी जाकर के ये भारोत्तोलन में भाग लिया।
फिर उसके बाद मोमीजी निशिया, मोमीजी निशिया जापान की है, वो मात्र मात्र कितना 13 साल 330 दिन की है। इन्होंने स्केटिंग बोर्डिंग में, स्केटिंग बोर्डिंग में गोल्ड पदक जीता। कुछ और थोड़े पॉइंट है मैं बता रही हूँ। और देखिए मैंने ये कुछ और नाम ऐड किए हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है कि ये किस खेल से, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। ये देखिए अदिति अशोक है जो कि गोल्फ से रिलेटेड है, साजन प्रकाश तैराकी से, आप पिक्चर में देख सकते हैं अदिति अशोक को, साजन प्रकाश जो तैराकी है, भवानी देवी फेंसिंग के लिए, नेत्रा कुमानन नौका चालन के लिए, प्रणीत नायक जिम्नास्टिक के लिए, रानी रामपाल हॉकी के लिए, और यहाँ तक कि हमारे जो महिला हॉकी टीम है वो भी फोर्थ रैंक पर है, यानी कि सेमीफाइनल में पहुंची। हालांकि वो मेडल नहीं जीत पाई लेकिन बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा। तो ये भी पूछा जा सकता है कि महिला हॉकी टीम का कैसा प्रदर्शन है, वो कितने सेमीफाइनल में पहुंची या नहीं पहुंची। उसके अलावा आप यहाँ पिक्चर में नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू, रवि कुमार दहिया, लवलीना बोगहेन, पीवी सिंधु, बजरंग पुनिया को देख सकते हैं। ओके, आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। ओके, थैंक यू सो मच।